आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में कई जगह चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करते हुए दूर दूर जिलों में पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का जोरदार स्वागत किया। वहीं राजे ने कांग्रेस को झूठे वादों की सरकार कहते हुए निशाने साधे। दोपहर 1 बजे बाद वसुंधरा राजे प्रतापगढ़ के दरियावद पहुंची, जहां विधायक गौतम लाल मीणा वे भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारियों ने राजे का स्वागत किया। राजे की मौजूदगी में लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए पुनः भाजपा को वोट देने की अपील की। उसके बाद वसुंधरा राजे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। लोगों ने कहा कि हमारे किसान भी बहुत गरीब हैं, ऐसे लघु और सीमांत कृषक जिनकी हालत खराब है उनके लिए कुछ कर्जा माफ करने का अपने को काम करना चाहिए। तो हमने आपके ये सब काम करने के बाद जो पैसा बचा उसको 50,000 के पैकेट बना बना के जो लघु और सीमांत कृषक थे उनके बैंकों में उसको कर्जा माफ के रूप में उनके बैंक खाते में भेजने का काम किया। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को 50,000 रुपए ही नहीं, जिस तरीके से और जिस सामान से बांटा गया, आप में कई कई गांव के अंदर तो 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख तक लोगों को पैसा मिला, क्योंकि आपको सबको मालूम है यही यही करके जाते हैं। मालूम ही समझ में नहीं आता, उनके जो वादे होते हैं वो कभी पूरे होते नहीं। मेरे को चुनाव से पहले ये कहा कि अब आप क्या है, 50,000 तो आपने दे दिए, तो झूठ बोल दो और कह दो कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा भी माफ कर देंगे। मैंने कहा अभी तक मैंने जनता के सामने झूठ नहीं बोला है, जो कर सकती थी मैंने किया, कह के उनको किया, इसलिए मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी। इसके बाद वसुंधरा राजे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के घंटाली कस्बे में पहुंची। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कनकमल कटारा के समर्थन में मतदान की अपील की। घंटाली सभा को संबोधित करने के बाद वसुंधरा राजे बाड़मेर के समदड़ी पहुंची। यहां हेलीपैड पर विधायक हमीर सिंह भायल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का स्वागत किया। वहीं राजे ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में मतदान की अपील की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी विराजे हुए मंच पे, पूछिए 1008 कन्हैया मैम, नरसिंह दास जी महाराज, प्रकाश जी महाराज, भुवनेश्वर जी महाराज, आपके चरणों में मेरा नमन। सांसद प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक अमित सिंह जी, पूर्व मंत्री अमराराम जी, पूर्व संसदीय सचिव लादूराम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जोगराज सिंह जी राजपुरोहित, बहुत पुराने हमारे नेता और आज हम लोगों के साथ यहाँ बैठे मंच पे, उनका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा, बहुत बड़ी चीज है। पूर्व यूआईटी चेयरमैन प्रियंका चौधरी, जिन्होंने 14 से चुनाव लड़ा, आदुराम जी मेघवाल, बालोतरा के जिलाध्यक्ष महेशी चौहान मंच के ऊपर बैठे हुए, सब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षगण और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु मेरे सामने बैठे हुए, मेरे इस क्षेत्र के, अब आप लोग बैठ जाओगे ना, एक मिनट बैठ जाओगे फिर वो अन्य से नहीं बोलेंगे, चलो आपस मत करो, चलो ये फोटो के बिना हमारा काम चल जाएगा। आपको बैठना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मुझे उनको देखना है, मुझे उनकी आंखों में देखना है कि ये सब हा हा कर रहे हैं, ये नीचे तक पेट में जा रहा है कि यहीं यहीं तक है, तभी तो मालूम पड़ेगा। और आज मुझे आप तक पहुंचते पहुंचते कैलाश जी, कहाँ हूँ कैलाश जी, आप तक पहुंचते पहुंचते मेरे को 1.5-2 घंटे लग गए,
तो मेरे को ये देख रहा है कि इनकी आंखों की बात इनके पेट तक पहुंच रही है, तब तो मजा आएगा। और समदड़ी से मैं आप लोगों को मिलके तब जाना चाहूंगी जब पूरी तरह से मैं आश्वस्त हो गई हूं कि इस भाई को आप लोग जो दाद प्यार अपना देखे और आशीर्वाद प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ोगे। महाराज जी घबराओ ना, रुक जाओ, फिर करते रहना दिन भर उसके बाद। आज का चुनाव हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और महाराज जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच के ऊपर गेरुआ वस्त्र पहने हमारे संत महात्मा भी बैठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि जब ईश्वर का आशीर्वाद हो जाता है, संत महात्मा का आशीर्वाद हो जाता है, तो रास्ते में कोई रोड़ा नहीं आता और आराम से जिस चीज को कामयाब करने के लिए हम लोग निकले हैं वो कामयाब होके ही। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।